आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। जिले के हरपुर बुधर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा तिनुआ में बारिश का पानी छत से गिरने को लेकर हुए विवाद में सगे पट्टीदार द्वारा एक बुजुर्ग महिला व एक बच्चे को फावड़े से मार कर की गई हत्या। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। SSP ने कहा अभियुक्तों पर होगी NSA के तहत कार्यवाही। नवागत जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने संभाला जिले की कमान, कहा विकास परियोजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा करना होगी पहली प्राथमिकता। सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने तथा जमीन से जुड़े मामलों का मेरिट के आधार पर किया जाएगा निस्तारण। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक, पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ ई रिक्शा के संचालन पर दिया जोर, कहा रोकी जाए ओवरलोडिंग। अपनी 9 सूत्रीय मांग को लेकर ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन जिला इकाई के सदस्यों ने मंडलायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन, समस्याओं के समाधान की मांग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव खाद व रसद ने बुधवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सहित अन्य बिंदुओं की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नवागत जिलाधिकारी ने कार्यभार ग्रहण करने के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ किया औपचारिक बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। 4 सूत्रीय मांग को लेकर फार्मेसी एंड फार्मासिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने मंडलायुक्त को प्रेषित किया ज्ञापन, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का उल्लंघन तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के द्वारा किए जा रहे धांधली एवं भ्रष्टाचार को रोकने की मांग। SSP की अध्यक्षता में संपन्न हुई गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था एवं मंदिर के दुकानदारों की समस्या के निदान संबंधित बैठक, कहा कोई भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखने पर तत्काल दे पुलिस को सूचना। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई राजपत्रित अधिकारियों से परिचय व राजस्व प्राप्ति संबंधित बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बेतिहाता स्थित प्रोविजन स्टोर पर खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने की छापेमारी, सरसों के तेल व दाल के लिए नमूने भेजा गया प्रयोगशाला। गोरखपुर में बुधवार को नहीं मिला कोई भी नया कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,359। अब तक 848 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान, 27 हुए एक्टिव मरीज, CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी स्वर्गीय सैयद मोदी की पुण्यतिथि पर सैयद मोदी बैडमिंटन एकेडमी के तत्वावधान में आयोजित हुआ श्रद्धांजलि सभा। ADG ने कहा खेल प्रतिभा के धनी थे सैयद मोदी, देश के लिए जीते थे कई पदक, नए खिलाड़ी ले उनसे प्रेरणा। बुधवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के कुल 32 केंद्रों पर 8,174 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 6,340 और सेकेंड डोज लेने वालों में 1,834 लोग रहे शामिल। एडिशनल CMO ने कहा कोविड नियमों का करें पालन, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। 22 से 28 जुलाई तक चलाए जाने वाले प्रथम सड़क सुरक्षा सप्ताह का बुधवार को हुआ समापन। वाहन चालकों को दिलाया गया सड़क सुरक्षा का शपथ, यातायात नियमों की दी गई जानकारी। बदलते मौसम में जिला अस्पताल में सर्दी खांसी जुकाम वाले मरीजों की संख्या में हुआ इजाफा। MD मेडिसिन डॉक्टर BK सुमन ने कहा धूप से बचें, घरेलू उपचार के साथ कोरोना प्रोटोकॉल का करें पालन, रहें सुरक्षित। और कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के उद्देश्य से शासन द्वारा लगाए गए आंशिक नाइट कर्फ्यू का बुधवार को भी दिखा असर। SP सिटी ने कहा कोरोना नाइट कर्फ्यू का करें पालन, रहें सुरक्षित।